भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्या हो गया तेरे को? तेरे ब्लॉग नहीं आ रहा अच्छा? कहाँ बिजी है आजकल भाई? इतनी सारी डिफरेंट ब्लॉग बना रहा था पहले, अब तू ब्लॉग ही नहीं डालता, क्या हो गया ऐसा? तो दोस्तों आज मैं सब के दुश्मनों के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, मैं क्यों ब्लॉग नहीं बना रहा, क्या हो गया, कहाँ बिजी हूँ, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इस कैमरे को नीचे करो, आपको पता पड़ जाए। तो दोस्तों यही एक रीज़न है मेरी पढ़ाई, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा काफ़ी टाइम से, और फ्रिक्वेंट नहीं रह पा रहा। एक तो मेरे एंड सेम एग्ज़ाम आ गए, और साथ में मैं अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरी किसी चीज़ की ट्रेनिंग भी चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसी चक्कर में मैं फ्रिक्वेंट नहीं रह पा रहा, और मेरा कल एग्ज़ाम है, एंड सेम एग्ज़ाम है साइंटिफिक एप्टीट्यूड का, तो अभी उसी की तैयारी कर रहा था। ऑलमोस्ट अभी 2 बज चुके हैं रात के, तो थोड़ा बहुत और पढ़ूंगा, और उसके बाद मैं आपसे कल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहता था मेरे एंड सेम एग्ज़ाम का, क्योंकि मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट डेडलाइन चल रही है, 6th सेम चल रही है, उसके बाद मैं शायद ही कोई कॉलेज जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कॉलेज का और अपने एग्ज़ाम का, जिससे मेरी भी यादें बनी रहें और आपको भी दिखा पाऊँ मैं। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना आप, क्योंकि काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं डाल रहा, तो मेरे को पता है काफ़ी लोग डिसकनेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी लोग भूल चुके हैं, तो इसलिए सपोर्ट करते रहना, सपोर्ट करना थोड़ा बहुत। अब मैं रहूँगा, फ्रिक्वेंट रहूँगा, ब्लॉग वगैरह आएंगे, तो अभी तो पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत आधा एक घंटा, और उसके बाद आपसे कल मिलता हूँ और आपको चीज़ें दिखाता हूँ, जो पॉसिबल हुआ मेरे से वो दिखाऊंगा, क्योंकि कब कॉलेज में मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं करी, मैं कल पहली बार ब्लॉगिंग करूँगा। सो होपफुली आपसे कल मिलता हूँ, ब्लॉग बना तो लेट्स सी। तो ये सिलेबस है जो कि कल के एग्ज़ाम का है, तो ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बाकी थोड़े बहुत पेपर भी लगाए थे मैंने, वो सब भी कंप्लीटेड कर दिए मैंने, तो होपफुली कल का एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि मिड टर्म्स थे मेरे, जो मिड सेम एग्ज़ाम थे इसी सब्जेक्ट के, वो मेरे बहुत बेकार गए थे, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मेहनत करी एंड सेम के लिए। अगर इसमें बैक लग गई तो मेरी सारी प्लेसमेंट वगैरह सारी रुक जाएंगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, बाकी थोड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे वो थोड़े टफ हैं ऑफकोर्स, तो होपफुली लेट्स सी कैसा जाता है कल एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स एक और रीज़न था इस आज ब्लॉग बनाने का, चूँकि मैं भूल गया बताना सीरियसली, तो वो रीज़न ये है कि हमारे एक दोस्त का, जो कि आप सब लोग जानते हो माथुर, उसका आज बर्थडे है, तो मैंने सोचा मैं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम है उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, तो उसके साथ साथ माथुर के बर्थडे की थोड़ी यादें भी रिकॉर्ड कर लूँगा, तो इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ आज, और होपफुली अब आगे मैं ब्लॉग बनाऊँगा, हफ्ते में 1-2 ब्लॉग बना लिया करूँगा, जिससे मैं थोड़ा फ्लो में रहूँ यूट्यूब पर, मतलब फ्लो टूट जाता है तो बहुत बुरी लग जाती है, एवरीवन नोज दैट। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड आपसे मिलते हैं कल, और तैयारी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, सो होपफुली अच्छा जाए, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मेरा 7:45 और मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, पापा का भी कॉल आया था उठाने के लिए मेरे को, तो चलो थोड़ा रेडी वगैरह होते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी उठूँगा पढ़ूँगा, लेकिन नहीं हुआ वो मेरे साथ, बहुत ही कम पढ़ा हूँ मैं सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए, देखते हैं कैसे जाता है। तो रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे, है ना। सीन ऐसा है कि अभी हम अपने फ्रेंड को लेने जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते हो, बड़ा बढ़िया कौन है, और साथ साथ में अपना पढ़ने का मटेरियल भी लेके आया हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो मिलते हैं उससे, है ना। कैसा लग रहा है यहाँ इंदौर आके? पहले बता कैसा लग रहा है? एक नंबर। और भाई तू कैसा है?
मतलब अभी हम 2 दिन पहले ही मिले हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितने समय मिल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैं भी घर ही था और अभी आया हूँ मैं। मैं आज ऑलवेज लेट हो गया एग्जाम के लिए, मेरे को रश करना पड़ रहा है। फक, ये लोग बाहर गए हैं और बाहर से कुंडी लगा गए मेरे फ्रेंड्स, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। यार फ्रेंड्स, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ और अभी हो रहा है 9:34 और 10 बजे से मेरा पेपर स्टार्ट है और 15 मिनट पहले पहुँचना होता है आंसर शीट फिल करने के लिए। और मेरे फ्रेंड्स बाहर से कुंडी लगा के चले गए फ्लैट की, तो बाढ़ लग गई। फर्स्ट एग्ज़ाम था एंड सेम का और फर्स्ट एग्ज़ाम में ही लेट हो गया मैं काफ़ी। उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं, वो आएंगे तब कुंडी को लेके, उसके बाद मैं जाऊँगा, काफ़ी लेट हो गया। फाइनली गाइस पहुँच गया और मैं काफ़ी लेट हो चुका, 2-3 मिनट बचे हुए हैं एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट एग्ज़ाम उसी में लेट, काफ़ी बहुत हो गया, एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। लेट्स सी, काउंट तो बढ़ी ऑफ कोर्स। फ्रेंड्स, मैं कॉलेज से तो आ चुका और मेरा पेपर 1 नंबर गया। कॉलेज में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, और पेपर बहुत शानदार गया, बस 2 नंबर का मेरे को नहीं आया, बाकी पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। सो अभी मेरी 10 मिनट से ट्रेनिंग है, तो थोड़ा बहुत फ्रेश होता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। माथुर इधर देख ले भैया, हैप्पी बर्थडे। अरे क्या बात है, हैप्पी बर्थडे भाई। कैसी शक्ल उतर रही है तेरी, तबीयत खराब थी। तो मिलने ही नहीं आता तो ये अजीब सा लग रहा हूँ ना, अजीब सा नहीं लग रहा, बड़ा बड़ा इंसान लग रहा है। शादी की उम्र नहीं हो गया, इसकी सगाई हो गया, चूतिया बना रहा है। ये सब झूठ है, अफवाह है, अफवाह है, छुपे छुपे हुई है, सबको बता नहीं रहा है, कोई रीजन होगा इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन इसकी सगाई हो गई है और इसकी भी मात्र होती रहती है इसकी, तो इसकी। अरे ये क्या कर रहा है, छोटी वाली भी लाया है, 11 साल का हुआ है नहीं। अभी ये बीमार था इस चक्कर में, कोई भी पार्टी वगैरह नहीं कर रहा है ना, कुछ अच्छे से कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब अभी सिंपल सा केक काट रहा है। अरे आजा आशीष, ओए तू भी आजा, फ्रंट कैमरा चालू कर ले, भले ही ले आजा, ले आना, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, आजा अरशद, हैप्पी बर्थडे डियर मॉम, भाई लगाना मत, लगाएंगे नहीं भाई, लगाना मत, लग जाएंगे इसलिए, आ जाओ आप भी आ जाओ। Thank you.